नवाबों के समय की दास्तान हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुनी है, किताबों में भी हम लोग कभी कभार पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि वही चीजें हमें आज देखने को मिले तो यहाँ पर हमें नवाबों की एक ऐसी कोठी मिली है, एक ऐसा महल मिला है जहाँ पर किसी समय एक ऐसी रौनक लगा करती थी जो आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये जो कोठी है ये बनवाई गई थी यहाँ के नवाबों के द्वारा। तो आप लोगों को नीचे की तरफ चार गोल पिलर और ऊपर की तरफ पांच गेट दिखाई देने वाले हैं, यानी कि पूरी तरह से आप इसे समझ सकते हैं एक हवा महल। इस कोठी के इस वाले हिस्से में जहां भी हमारी नजरें जाएंगी उसी तरफ नीचे आज हमें सिर्फ और सिर्फ टूट फूट दिखाई देगी, लेकिन कुछ यादें आज भी इस कोठी में वो दिखाई दे रही हैं जो यहाँ पर नवाबों के लिए और नवाबों के समय में बनाई गई थी। जब आप यहाँ पर इन लकड़ियों को देखेंगे तो बस आप इतना मालूम कर सकते हैं कि ये लकड़ियाँ आज भी बिना डिमक के यहाँ पर बची हुई हैं, यानी कि स्पेशल जो साल की लकड़ियाँ होती हैं उनको यहाँ इस्तेमाल किया गया था। और इस तरफ जो ये सारे के सारे कक्ष बने हुए हैं यही वो कक्ष थे जहां पर नवाब, उनकी रानियां, उनके वंश के लोग यहां पर लंबे अरसे से रह रहे थे। आसपास के गांव में एकमात्र ऐसी कोठी थी जहां पे सबसे पहले बिजली की व्यवस्था हो चुकी थी। नीचे पूरा हिस्सा टूट चुका है और ऊपर की जो दीवार है आप इस पूरे नजारे को देख लीजिए कितना अच्छा इसका डिजाइन है। इस तरफ इसका ये टूटा हुआ गेट जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यहां की छत तो बिल्कुल नीचे की तरफ झुकी हुई है, किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है। अंदर के कमरों का नजारा लेंगे यहां पे हम। काफी बड़ा रूम है ये और इस रूम के अंदर हम लोगों को जो पूरे का पूरा नजारा दिखाई दे रहा है वो आज काफी ज्यादा सुंदर और उस समय की यादों से भी जोड़ता है। इस वाले हिस्से में हमें गेट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पर हम लोगों को एक दीवार में बनी हुई अलमीरा दिखाई दे रही है और इस दीवार के अंदर जो मसाला इस्तेमाल करते थे, चूना पत्थर और ईंटों को पीसकर, रोड़ियों को पीसकर मसाला बनाते थे, वो यहाँ लगाया जाता था। और इसी के साथ में इधर वाले हिस्से में देखिए आप लोग, ये उस समय का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो लोग ठंड के समय में लकड़ी वगैरह जलाया करते थे और ये ऊपर से पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो अभी खाली है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी को समय की प्रेजेंट कर रहा है। जो वो नवाब थे वो इन कक्ष में रहा करते थे और ये ऊपर की छत का नजारा आज टूट चुकी है, कुछ इसका अंश बाकी है।